उदयपुर से बड़ी खबर है, सराफा व्यापारी से लूट और हत्या का ये मामला है। मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। भोपालपुर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई है ये। आशीष नाम के तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वेलर्स के यहां बदमाशों ने लूट की थी और उसके बाद की थी व्यापारी की हत्या। आरोपी आशीष ने थाने से भागने की कोशिश की, इसी कवायद में टूटा आरोपी का पैर और ये भी पकड़ में आ चुका है। तीसरा आरोपी भी पकड़ लिया गया है, सराफा व्यापारी से लूट और हत्या का मामला। इससे पहले दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मामले में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। भोपालपुर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की ये कार्रवाई है। आशीष नाम के तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। ज्वेलर्स के यहाँ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद की थी व्यापारी की हत्या। आरोपी आशीष ने थाने से भागने की कोशिश की और इसी कवायद में आरोपी का पैर टूट गया। रवि हमारे सहयोगी महाशय जुड़ रहे हैं। रवि, अगर ये भागने की कोशिश ना करता बदमाश तो शायद ये पकड़ में नहीं आ पाता। जी दरअसल दीपिका, ये कुछ 15 से 20 दिन पुराना मामला है जिसमें जैनम ज्वेलर्स करके जो जगह है वहां पर लूट हुई थी और लूट के दौरान ही इन तीन बदमाश थे जिन्होंने व्यापारी अनिल जैन की हत्या भी कर दी थी वहीं दुकान पर। इसके बाद में एक आरोपी को तो उसी दिन पकड़ लिया था आम लोगों ने और पुलिस के हवाले किया, उससे पूछताछ के बाद दूसरा आरोपी, और आज डीएसपी टीम और भोपालपुरा पुलिस ने तीसरे आरोपी को जो आशीष है उसको गिरफ्तार किया था। उसे थाने लेकर आई थी डीएसपी और भोपालपुरा पुलिस की टीम गिरफ्तार करके, लेकिन ये जो आरोपी है इसने थाने से भागने की कोशिश की और इस दौरान नाली में जा गिरा जिससे इसका पैर टूट गया। इसे इलाज के लिए एमबी अस्पताल में भर्ती कराया है और अब जो है पुलिस तीनों ही आरोपियों को बिठाकर आमने सामने पूछताछ करेगी। इस मामले में अगर कोई और भी शामिल है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। जी रवि, तब तक क्योंकि जब तक इसका इलाज चलेगा तब तक तो गिरफ्तारी इस तरीके से संभव नहीं है, अभी किस तरीके से इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है बदमाश को? बिल्कुल, देखिए ये जो बदमाश है यही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले एक आरोपी विकास को पकड़ा था जो कि सीआईएसएफ का जवान भी था, उसे उसी दिन आम लोगों ने जब वो भागने की फिराक में था तो पकड़ लिया था। उसके पास में लूटे गए करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने भी थे जिन्हें पुलिस ने जब्त करके और व्यापारी के परिजनों को सौंप दिया। उसके बाद दूसरे आरोपी को भी हरियाणा हिसार से गिरफ्तार किया गया और ये जो तीसरा आरोपी है इसको भी पुलिस पिछले कई दिनों से इसके अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर दबिश दे रही थी और संभवतः इसको दिल्ली से जो है वो गिरफ्तार करके डीएसपी टीम यहाँ लेकर आई है, लेकिन अभी इससे अग्रिम पूछताछ की जानी है। इसके बाद पुलिस जो है हालांकि इस मामले का खुलासा कर चुकी है, लेकिन पुलिस के जो अधीक्षक हैं योगेश गोयल उन्होंने साफ किया था कि अगर इस घटनाक्रम में कोई और भी शामिल है और पूछताछ में सामने आता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा और कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। तो अब जो तीनों मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब इनसे आमने सामने पूछताछ की जाएगी और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, क्योंकि लूट की है और उसके बाद व्यापारी की हत्या भी की है तो काफी संगीन मामला है और इसमें इन तीनों ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मुकम्मल हो इस बात को लेकर भी पुलिस प्रयास कर रही है। ठीक है।